आप बाबा का वेट कर रही हैं? जी जानी, आज आपके बाबा ने आने में बहुत देर कर दी ना। मनाल, आप बाबा को फोन करके पूछें कि बाबा कहाँ रह गए, इतनी देर कहाँ कर दी उन्होंने। मैं कॉल करूं? ओके कॉल मिला के देती हूँ, ये लो कॉल करो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे, फोन कर देते। क्यों क्यों फोन करता तुम? तुम्हारा कोई गुलाम हूँ या तुमने मुझे कोई खरीद रखा है जो मैं तुम्हें कोई भी काम करने से पहले तुमसे इजाजत लूँ? नदीम, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी इसलिए पूछ लिया। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम मुझे पता है क्यों परेशान हो रही हो। तुम ये परेशान हो रही होगी कि मैं किसी के साथ कहीं घूम तो नहीं रहा हूँ या मैं किसी के घर तो नहीं चला गया हूँ। गुलाम हूँ ना तुम्हारा। नदीम, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब बातें हम जाके रूम में भी कर सकते हैं। यूं तमाशा लगा, तमाशा तुम बनाती हो, तमाशा तुम बनाती हो, तमाशा तुम बनाती आ रही हो, समझ में आई? और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह से ना मेरे रास्ते में मत आया करो। अगर तुमने इसी तरह से मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा आप प्लीज मम्मा को माफ कर दे, वो तो बस आपका वेट कर रही थी। चलिए हम सब लोग खाना खाते। बेटा आप खाना खाइए, मुझे भूख नहीं है। ओके नदीम, खाना खाए बगैर सो जाओगे? खाना खा के आया हूं। खाना खाकर आए हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम्हारा इलाज कर देता हूं। नदीम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? आखिर इन सब बातों से क्या हासिल होगा? वही जो तुम्हें मेरी बेटी को अजियत दे के हासिल हुआ। पता नहीं कितने दिन कितने महीनों तुमने उस बेचारी को अजियत दी है। शिवा, शायद अब तो मैं तुमसे कभी मोहब्बत ना कर सकूं, बल्कि तुम्हारा एतबार ही ना कर सकूं। मैं इस घर में सिर्फ मनाल की वजह से हूं कि अपनी बेटी की नजरों में मुजरिम नहीं बनना चाहता। अरे वो मासूम तो मैं आज भी अपनी शिवा मामा कहती है। नदीम मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा पुराना वाला नदीम वापस लौटा दो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी शिवा, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये खाने के लिए भी मेरा इंतजार मत करना है।